सो हाय हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर वीडियो। ठीक है, सो आज का जो एडिटिंग होगा वो होगा विंटर एडिटिंग। आप लोग थंबनेल में देखा ही होगा। ठीक है गाइस, सो ये जो पिक्चर था ये बहुत पुराना पिक्चर था, बट मैंने सोचा चलो विंटर एडिटिंग करते हैं। ठीक है, और नया साल के मेरा नया वॉइस के साथ वीडियो है। तो मेरे सभी सब्सक्राइबर को, मुझे जो जो भाई लोग फॉलो करते हैं सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है गाइस, और देखते हैं क्या होता है, एडिटिंग शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, तो फोटोशॉप ओपन कर लिया मैंने और पहले से ही मैंने PNG कर रखा था। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा इसलिए। तो गाइस अभी इंस्टाग्राम पर एक एडिटिंग देखा मैंने, तो उसका बैकग्राउंड मुझे मिल गया। ठीक है, ये जो बैकग्राउंड था इसको मैंने अनप्लस जो बैकग्राउंड के साइड था वहाँ से डाउनलोड किया था। ठीक है, मैं आप लोगों को फ्री में दे दूँगा, फ्री में मतलब डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा और सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना है, ये जो मॉडल है ठीक है इसको रिमूव करना है। ठीक है गाइस, तो इसको हम लोग सिलेक्शन करेंगे, मार्क करेंगे। ठीक है, देखते हैं। और भाई लोग नए साल के नया वीडियो ठीक है वॉइस के साथ, तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और देखेंगे क्या होता है। कुछ भाई लोग कमेंट करते हो भाई आपका, आप जब भी फोटोशॉप का वीडियो के साथ वॉइस ओवर करेंगे मतलब वॉइस दोगे आपका ट्यूटोरियल बहुत ही अच्छा चलेगा। तो इसमें मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या होता है, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है गाइस, तो देख सकते हो बिल्कुल आपका नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर मैंने लेयर कॉपी नहीं किया था। ठीक है गाइस, तो इसको अच्छे तरह से रिमूव करना। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड मैंने आप लोगों को फ्री मतलब अभी मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। ठीक है, विंटर एडिटिंग देखते कैसे होता है। ठीक है, मेरे पास विंटर की कोई भी फ़ोटो नहीं था इसलिए मैंने मेरा जो पुराना पिक्चर था ठीक है उसको मैंने ले लिया। तो इसको हम लोग क्रॉप करेंगे। ठीक है गाइस, इसको क्रॉप कर लेंगे। और विंटर के मौसम में ऐसे बैकग्राउंड भाई बहुत ही खतरनाक। हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटर पर लाएंगे। ठीक है, सो गाइज हम लोग ये भी ले सकते हैं, ये भी सबसे अच्छा है, बट ये थोड़ा हम लोग यहाँ से लेंगे। ठीक है, इसको सही से रिमूव करना है क्योंकि हम लोगों को ये नहीं चाहिए। ठीक है गाइज, और हम लोग दिखा था कैसे आज, और मैंने इसके जो स्टेप बाई स्टेप कर रहा हो ना अभी फॉलो करूँगा। ठीक है गाइस, देखो मैं क्या करता हूँ, स्टेप बाई स्टेप आप भी ट्राई करो। और शेडो यहाँ पर नहीं चाहिए। ठीक है, इसको भी हम लोग रिमूव कर देंगे गाइस। देखो गाइस स्टेप बाय स्टेप आप लोग जब भी ट्राई करोगे ना, अबे यार सो गाइस मैंने क्रॉप तो कर लिया, अभी चलते हैं और मेरी जो फोटो था यहाँ पर बैकग्राउंड लेके आएंगे। ठीक है, बैकग्राउंड के ऊपर लेके आएंगे। देखते हैं, Ctrl+T प्रेस करके इसको छोटा करना है। ठीक है, बैकग्राउंड को और भी करना है। ठीक है, सही नहीं लग रहा है गाइस, इसको अच्छा तरह बिठाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी तरह बिठाना पड़ेगा। देखो ये ठीक है, बट मॉडल की जो पोजीशन है ना ये ठीक नहीं है। इसको क्या करें, छोटा कर देते हैं। ठीक है, हाँ अभी सही। ठीक है, और इसको हम लोग फिल्टर कर देगा, कैमरा फिल्टर कर देंगे। मॉडल का जो शेडो है ना इसको हम लोग चेक कर देंगे, थोड़ी लाइट भी ऐड करेंगे। इसको थोड़ी वाइट करेंगे, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, हाँ अभी सही है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शेडो देंगे, देखते हैं क्या होता है। शेडो देने के बाद और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, मुझे लगता है तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल आई प्रेस करके, ठीक है, हम लोग शेडो देंगे। बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड कलर जो है ना उसको हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी नहीं था। अच्छी तरह शेडो देना है आप लोगों को, वो भी पूरा हो जाएगी। आप लोग जब भी शेडो दोगे ना तो अच्छे तरह देना, जो कि आपका पिक्चर और भी अच्छा रियलिस्टिक लगे। ठीक है, तो यहाँ पर सनलाइट यहाँ से आ रही है, मतलब कि मुझे यहाँ पर शेडो देना है। ठीक है, इस तरीके से शेडो देना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं। अभी ठीक है, देखो और एक बात बता दो। देखो यहाँ पर शेडो तो ठीक है, बट यहाँ पर मैच नहीं कर रहे। अभी हम लोग करेंगे, मेरा जो जूता है ना इसको कंट्रोल आई प्रेस करके हम लोग इसको सेटिंग करके यहाँ पर थोड़ी थोड़ी अभी जो क्या होगा, जो बैकग्राउंड के साथ साथ ये भी मैच कर जाएगा। ठीक है गाइस, हाँ अभी सही है। देखो और कितना अच्छे लग रही है अभी। सो हम लोग अभी क्या करेंगे, मेरे जो फेस है ना थोड़ी रिटचिंग करेंगे। ठीक है, मिक्सर टूल लेकर इसका सेटिंग जो आप लोग देखो मैंने क्या क्या रखा है सेटिंग। ठीक है, तो थोड़ी रिटचिंग भी करेंगे हम लोग। सो गाइस रिटचिंग करते हैं, ज़्यादा नहीं है क्योंकि पिक्चर इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, आप लोगों को मैंने बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूँ दिखाने के लिए यूट्यूब। ठीक है, आप लोग देख सकते हो मैंने कैसे रिटर्न करता हूँ। ठीक है, तो मेरी जो पिक्चर है उतना अच्छा नहीं है, फिर भी चलो हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए टेस्टिंग भी हो गया। अभी क्या करेंगे, यहाँ से सनलाइट आ रही है ना, यहाँ पर थोड़ी लाइट चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लाइट देंगे। सो गाइस न्यू लेयर लेके हम लोग क्या करेंगे, ब्रश लेकर यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको सिलेक्शन करके इसको हम लोग और ले कर देते हैं। ठीक है, सो ऑपोसिटी इतना, हाँ इतना सही है। हम लोग यहाँ पर आलो लाइट ऐड करेंगे। ठीक है, ये तो एक गलती हो गया, बट आप लोग इस तरह गलती नहीं कर रहे, ठीक है। और ध्यान से करेगा इस, ठीक है, आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ। तो गाइस देखो मैंने थोड़ी लाइट ऐड कर दिया, पहला कैसा था अभी क्या हो गया, ठीक है। थोड़ी सो जेन्युइन अभी तो लग रही है, ठीक है। अभी हम लोग बहुत सारा काम है अभी तक, ठीक है। इसको एक कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर प्रेस करके ई प्रेस करके, ठीक है, सभी जो दिया है ना वो एक हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम लोग कलर करेक्शन करेंगे, देखने में थोड़ा सही रहे, ठीक है। पिक्चर जो है वो अच्छा दिखे, ठीक है। अच्छे से कलर करेंगे, ठीक है गाइस, देखने में अच्छा दिखे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग व्यू देखते हैं क्या होता है, व्यू चेंज करके, ठीक है। सकते हैं, देकर और भी अच्छे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बोला डॉज इफेक्ट बहुत ही अच्छा लुक देता है, आपका पिक्चर होता है। ठीक है, आप फिर जाएगा डॉज इफेक्ट दे सकते हो आपका पिक्चर में। ठीक है, इससे और भी अच्छा लगेगा आपका पिक्चर। ठीक है, थोड़ी जो ब्लर इफेक्ट दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, इसका अभी देख रहा हूँ कितना चेंज हो गया है। ठीक है, सो गाइस देख सकते हो बहुत ही पसंद तरीका है। बट हाँ, और अभी ठीक है हम लोग थोड़ी थोड़ी यहाँ पर एड कर सकते हैं।